नमस्ते, मैं साहिबा चौहान दिल्ली से हूँ और मिस खादी की प्रतिभागी हूँ। और आज का जो मेरा टास्क है वो गर्ल्स एजुकेशन पर है, बच्चियों को शिक्षित करने के ऊपर है कि बच्चियाँ जो हैं पेट में मार ली जाती हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो आगे जाके जो पुरुष है, पुरुष समाज उन्हें दबाता है, शादियाँ कर देता है, शादी भी कर देता है तो फिर आगे जाके उनके ससुराल में उन्हें क्या कहते हैं, किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नौकरी नहीं होती है, शिक्षा नहीं होती, शिक्षा से वंचित रख दिया जाता है, बस उन्हें एक सिखा दिया जाता है कि आपको जो है घर से ही आपको घर का काम करना, घरेलू कार्य करना, नौकरी नहीं करनी, पढ़ना नहीं है, बस पति की सेवा सर्वोपरि होती है इनके लिए। तो इस चीज़ पे आज मैं बोलूँगी, इन बच्चियों को बोलूँगी कि आपकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपको पढ़ाई से भागना है, पढ़ाई के अलावा भी आपके खेल कूद है, आप और भी एक्टिविटीज में जा सकते हो, चाहे वो कोई भी हस्तकला, हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित जैसी कई चीज़ों को आप बना सकते हो। मटका बनाते हैं उसकी फैक्ट्री भी आप डाल सकते हो, कोई कई चीज़ें हैं जो जो हाथ में हुनर होगा उस चीज़ को डालो। पुरुषों को बराबरी, पुरुषों से बराबरी रखो, नीचा नहीं होना है। अगर माँ बाप ने बोल दिया घर संभालना तो ये नहीं कि शिक्षा छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, विरोध करो इस चीज़ का कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे लड़कों से आगे जाना है। लड़के क्यों, आप सबको यकीन होगा, मैं ध्यान ध्यान दिलाना चाहती हूँ, आप सबको एक चीज़ का यकीन नहीं होगा कि हमारे समाज में पुरुषों को पहले खाना खिला दिया जाता है, लड़कियों से पहले पुरुष आएगा वो खाना खाएगा, लड़कियाँ नहीं खाना खाएंगी, बचा कुचा उनको खिला दो। क्यों भाई क्यों, ये क्या मतलब हमारी सोच है, लड़कियाँ ही बच्चा पैदा करें, पुरुष का कोई फर्ज नहीं है, बस वो कमाता आके खाता है और चला जाता है। क्यों एक से दो, दो से तीन शादियाँ कर लेता है, क्या मतलब, इन बच्चियों का क्या भविष्य नहीं है, ये क्या सोचेंगी अपने हम सफर के लिए कि कोई इनका हम सफर होगा वो ऐसा होगा। अपने बच्चियों को शिक्षित करो, और रेप के जितने भी केसेस होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। क्यों बच्चों को शिक्षित ही नहीं किया जाता, उन्हें बताया ही नहीं जाता कि लड़कियां हमारे भी बराबर हैं, उन्हें बताओ, समझाओ, अपने लड़कों को सिखाओ, किसियों को पेट में मार देते हो, लड़के की आकांक्षा रखते हो और फिर कहते हो हाय हमें वृद्धाश्रम पहुँचा दिया। ये सब इसी कारण हो रहा है, बेटियाँ के बेटों से बिल्कुल कम नहीं है। मैं सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रही हूँ, मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ, कैमरा इस तरफ घुमा लीजिए, कि सबको ही बताना चाहती हूँ कि बेटे जो बेटियाँ हैं बेटों से बिल्कुल कम नहीं है। आप अपनी बेटियों को भी मजबूत रखिए, उन्हें पौष्टिक आहार दीजिए, ठीक है, कुपोषण का शिकार हो रही हैं बेटियाँ, ठीक है, उन्हें खिचड़ी खिला देते हैं या फिर कुछ भी है, खिचड़ी भी पौष्टिक ही है, लेकिन उन्हें ऐसा खाना खिलाइए जिससे वो लड़कों की तरह स्वस्थ बने, स्ट्रॉन्ग बने। ये क्या जो भी आए खा लो, दाल भात खा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा भोजन दो, ठीक है, ताकि वो साइना नेहवाल बन सके, सानिया मिर्ज़ा बन सके, आने वाले देश में प्रधानमंत्री बन सके, कोई तो देश की प्रधानमंत्री बने, यहीं से निकल जाए कोई। अपनी बच्चियों को इतनी शिक्षा दो, और अगर वो कह रही है कि मेरा ये फैसला है तो उसके फैसले का सम्मान दो। अपनी बच्चियों को ये नहीं कि 12वीं तक पढ़ा दिया अब शादी करनी है, नहीं, अपनी बच्ची को कॉलेज में ले जाओ, शिक्षा दो, IAS की तैयारी करवाओ, क्यों नहीं आप बच्चा खूब करवाते, क्यों उसको शादी 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 की रट लगवाए रहते हो। शादी नहीं, सिर्फ उसका ध्यान दिमाग ये रखो कि तुमने आगे बढ़ना है, चांद तक पहुंचना है, मंगल तक पहुंचना है, कल्पना चावला बनना है नहीं बनना, रॉकेट में इस तरह से कोई गलत चीज़ नहीं है, गलत चीज़ है कि हम नजरिए को कितने गलत चीज़ से देख रहे हैं, ठीक है। आपका आपकी जो सोच आपके घर वालों की उसको बोले, मैं पढ़ के आपको दिखाऊंगी। और जिस तरह से आप मुझ पर कहते हैं कि मैं वहाँ जाती हूँ, मैं वो नहीं जाऊंगी, मैं पढ़ के ही दिखाऊंगी, कुछ बन के दिखाऊंगी, ये बोलो, ठीक है, एडमिशन लो बेटा, पढ़ाई के बिना कोई